हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा लास्ट वीडियो में, हमने उसका जो क्लासिफिकेशन था वो हमने पढ़ा। मतलब कि एक जो, मतलब ऐसा लगा लीजिए एक जो आउटलाइन जो होती है उसकी, कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उसके नाम क्या क्या होंगे, उनको हम मान लीजिए क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। अभी हम बारी बारी से उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो पार्ट्स हैं वो मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। बारी बारी से एक टॉपिक लेंगे, फिर उसके बारे में, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप्स, उसके प्रकार। इकोसिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ने हैं। अब देखिए इसके अंदर मुझे क्लासिफिकेशन बताया, मैंने आपको याद है कौन कौन से थे? एक बार छोटा सा हम इधर बना लेते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। फिर प्राकृतिक के दो भाग थे, स्थलीय जलीय। देखिए स्थलीय है, ये वाला जलीय है। फिर जलीय के दो भाग थे, कौन कौन से? एक तो मतलब बहता हुआ पानी था, और एक कैसा था? रुका हुआ पानी, मतलब सॉरी, एक तो मतलब शुद्ध जलीय था, मतलब फ्रेश वाटर शुद्ध जलीय, और दूसरा समुद्र जलीय था। फिर जो शुद्ध जलीय था उसको दो में बांटा, शुद्ध जलीय को दो बांटा। कौन कौन से थे? एक रुका हुआ पानी, एक बहता हुआ पानी, रुका हुआ और दूसरा बहता हुआ। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमने कर लिया छोटा सा, बारी बारी से हम इसमें से देखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये कि एक जो पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, फिर हम उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो इसमें हम देखे पारिस्थितिकी तंत्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, टॉपिक चल ही रहा है, उसमें इसका पहला जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? प्राकृतिक वाला, ठीक है। फर्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। अब देखिए प्राकृतिक के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके, तो हम डायरेक्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा कि बार बार वही चीज, प्राकृतिक का जनरल चीज ध्यान रखा कि प्राकृतिक क्या होंगे, जो भी चीजें इसके अंदर आएंगी उसको क्या, उसको प्रकृति कंट्रोल, उसको नेचर कंट्रोल करेगा, मनुष्य का उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, वो इसके अंदर कोई दखल, इससे वो चीज नेचुरल है। और जिस चीज में मनुष्य का दखल होता है वो चीज कैसे हो जाती है? वो मानव जनित हो जाती है, ठीक है, ये मेनली डिफरेंस होता है। तो अब देखिए हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसमें पहला हमने प्राकृतिक देख लिया, अब हम डायरेक्ट किस पे आते हैं? प्राकृतिक के ये जो टाइप्स जो है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो टाइप्स हैं मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। हमने इतना क्लासिफिकेशन बता दिया कौन कौन सी चीज इसके अंदर आती है, उसको हम क्या क्या मतलब एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके, ठीक है। तो देखिए इसको हमने जो प्राकृतिक है इसको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, इसके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं वो भी जानना जरूरी है। स्थलीय, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक या जलीय, ये कौन से हैं? जलीय हैं। और टेरेस्ट्रियल कैसे? स्थलीय हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये रियल में क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी जो मतलब एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से जो हैं इसके अंदर आते हैं, तो वो सारी जो क्रिया है वो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये स्थलीय है, ये जलीय है। अब स्थलीय ले रहे हैं हम पहले कि जो स्थलीय वाला पार्ट है उस स्थलीय वाले पार्ट के अंदर क्या आएगा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं हम? स्थलीय। स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र ये ले रहे हैं हम पहला,
ठीक है। अब इसका ये नाम है डायरेक्टली आके हम शॉर्ट में लिखेंगे तो समझ में आएगा पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे हैं उसका कौन सा पार्ट है प्राकृतिक और प्राकृतिक का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं स्थलीय। ठीक है, अब देखिए स्थलीय का मतलब क्या, इस तरह से जो जमीन वाला टाइप है। अब जलीय का मतलब क्या होता है, जलीय का मतलब होता है जहां पर जल हो, जलीय का मतलब ये तो होता है जो पानी का एरिया हो। दूसरा हमने बोला स्थलीय का मतलब भूमि हो जहां पे, उसको क्या बोलते हैं स्थलीय बोलते हैं। तो उस स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या आता है वो देखिए, इसके अंदर हम रखेंगे घास, भूमि पर होती है वन, कहाँ पाए जाते हैं पेड़ लग रहा है पूरा वन जो जंगल है पूरा किसके अंदर लग रहा है भूमि के ऊपर तो लग रहा है। इसके अलावा लगा लीजिए कोई भी, जैसे हम मैदान वगैरह बनाते हैं इनका जो मैदान वगैरह होगा ऐसे वो मैदान किसके अंदर आते हैं, मतलब ऐसे आप एक तरीके से लगाए स्थल के अंदर वो सब चीज़ें आती हैं। और जनरली हम यहाँ पे मैदान का तो हम यहाँ पे इसी का एग्जांपल ले लेना जो हमारे पास में है घास मैदान, मैदान तो हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जैसे रेगिस्तान टाइप, तो इस टाइप की जो जगह होती है वो क्या है वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आती है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्राकृतिक है वो क्या होगा, उसके अंदर स्थलीय जो है वो क्या होगा, और स्थलीय के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो एग्जाम्पल है तो ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल का तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। अभी नेक्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं, नेक्स्ट हम ले रहे हैं जलीय के बारे में। सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड पार्ट आता है हमारा एक्वेटिक, एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी के तंत्र, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख रहे हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सीधी सी बात कह रहे थे जलीय है तो मतलब क्या होगा, जल से रिलेटेड होगा, पूरा पानी से रिलेटेड होगा, तो वो कौन सा हो गया जलीय हो गया, जो जल से रिलेटेड है जिसके बारे में मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो प्रोसेस है मतलब जल हो रहा है इसके अंदर है पानी वो कहाँ से क्या कंडीशन है, पारिस्थितिक तंत्र के किस पार्ट के अंदर ये क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और देखिए इतना ही जो पार्ट मैंने आपको समझाया, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा आप उसको प्रेस कीजिए, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स वो भी सीक्वेंस वाइज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया है आप न्यू हो तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे, जैसा न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। और अभी तक अगर आपने पीछे के जो वीडियोज हैं वो नहीं देखे आपके छूट गए हैं तो इंटरनेट पढ़ाई की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स चैप्टर टू चैप्टर पूरा डाला गया है, आपको ना कहीं कोचिंग जाना है ना पैसे वेस्ट करने, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम और ज़्यादा क्या कर सके आपको और ज़्यादा एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। तो देखिए अब कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्वेटिक पढ़ रहे हैं, एक्वेटिक के अंदर पहली बात तो क्लियर है मतलब जलीय है तो जल से रिलेटेड होगा। अब इसके जो पार्ट्स हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, कितने पार्ट्स हैं इसके, इसके भी टू टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आपको दिख रहे होंगे, शुद्ध जलीय और समुद्र जलीय, दो पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। ठीक है, ये पार्ट्स हैं इसके। अब देखिए ये तो बोलते हैं इसको शुद्ध जल, फ्रेश वाटर है मतलब शुद्ध जल है, और ये समुद्र जली है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे समुद्र जल बोला हमने, समुद्र जल बोला, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स जो हैं मतलब हम इसके अंदर निकल, समुद्र जली है तो सीधी सी बात है क्या होगा, समुद्र के पानी से रिलेटेड है। ये कौन सा तंत्र है, ये फ्रेश वाटर सिस्टम है, मतलब ये जो सिस्टम हमने बांटा एक्वेटिक सिस्टम मतलब जलीय तंत्र है। इस जलीय तंत्र के दो भाग बांटे हमने, देखते हैं शुद्ध जलीय तंत्र और दूसरा है समुद्र जलीय तंत्र। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। अब इसके अंदर जो फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं अभी हम वही चीज़ मैंने बताई। देखिए पहले मैंने इसके पार्ट्स बताए आपको ये, फिर इसके बताए ये दो, फिर इसके बाद ये पढ़ लिया, फिर इसके बाद इतना पार्ट हमने पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे हैं।
इसके बारे में हमने पढ़ना है कि जो पार्ट्स है क्या, इसके अंदर हम पहला कौन सा ले रहे हैं, हम शुद्ध जलीय ले रहे हैं। क्योंकि देखिए समुद्र जलीय वाला जो पार्ट है, समुद्र जलीय का आपको पता है समुद्र जल तंत्र क्या होगा, समुद्र का जो पानी होता है वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे जो फ्रेश वाटर वाला होता है इसके टाइप्स जो है वो आगे कौन कौन से, ठीक है। तो चलिए हम वो पढ़ते हैं अभी। इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं। देखिए कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, पहले एक्वेटिक वाला, एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए इसके दो भाग बताए हमने, कौन कौन से बताए, शुद्ध जलीय और समुद्र जलीय। पहला तो कौन सा हो गया, फ्रेश वाटर, और दूसरा कौन सा हो गया, समुद्र जलीय। ठीक है, अब देखिए पहला हम कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट हम ले रहे हैं फ्रेश वाटर, कि जो शुद्ध जल होता है वो किस टाइप का होता है वो देखिए। शुद्ध जल है, अब वो दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन से, इसके भी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है स्थिर जल और दूसरा होता है बहता हुआ जल। ये पार्ट्स होते हैं किसके, जो हम बोल रहे हैं कि फ्रेश वाटर है, जो जैसे मतलब शुद्ध जल है, समुद्र जल है, उसके टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि जैसे हमने बांटा शुद्ध जल है, आपको पता है पानी तो कैसा होगा, यहाँ पे शुद्ध होगा। अब उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो फ्रेश वाटर है और दूसरा कौन सा है, समुद्र, मतलब इसके अंदर एक तो स्थिर जल है और दूसरा बहता हुआ पानी है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहला हम ले रहे हैं पार्ट जिसे इसको जो स्थिर जल है जमा है उसको, और दूसरा पार्ट कौन सा है, बहता हुआ है उसको। ये होता है लेंटिक और ये होता है लोटिक, ठीक है। ये पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। अब ये जो पार्ट्स हमने देखे इसके बारे में हम देखते हैं, पहला हम ले रहे हैं लोटिक, मतलब आप खुद देखिए अपने एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक तरीके से खुद देखिए कहाँ का जो पानी है जो लगातार बहता रहता है, रुकता नहीं है, वो कहाँ का होता है, नदी का, झरने का, नदी का और झरने का जो पानी है वो कैसा है, वो लगातार कैसा रहता है, वो बहता रहता है, रुकता कहाँ है वो। इसीलिए कौन से में रखा हमने इसको, लोटिक वाले पार्ट में रखा। और किसका है, शुद्ध जल कैसा होता है, वो शुद्ध होता है लेकिन वो कैसा होता है, लगातार बहता रहता है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेकेंड पार्ट, लेंटिक या फिर कौन सा है, ये रुका हुआ जल। अब आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी जगह जहां पर पानी रुक सकता है। आप पानी का कहीं भी स्टोरेज देखते हो, जैसे तालाब, झील आदि, ये ऐसी जगह है जहां पर क्या मिलेगा, जहां पर आपको पानी जो है वो स्टोर मिल जाएगा। तो ये किसके अंदर है, ये जो हमें एक्वेटिक जो इकोसिस्टम हमने बताया है, जो जलीय सिस्टम हमने बताया, उस जलीय सिस्टम के, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने बोला है प्राकृतिक तंत्र है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फिर उसके अंदर पूरा क्लास, चीज़ें सारी इजी हैं, आप इजीली कर सकते हो। जल रुका हुआ पानी है, बहता हुआ पानी के एग्जांपल सारे कर सकते हो। बट आपको ध्यान के रखना, सिर्फ ये जो क्लासिफिकेशन है ना, आप ये याद करते चलोगे ना इसके साथ साथ, तो आप पूरी चीज़ें कर सकते हो। कॉमन सेंस है, आप ये प्राकृतिक में होता है, जलीय में तत्व आते हैं, स्थलीय में आते हैं, इसके अंदर ये तो चीज़ें आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि आपके जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसकी, मैंने आपसे पूछा था कंगारू की बॉडी के अंदर एक थैली होती है और क्या करता है, अपने बच्चों को जो होता है उसको पूरी तरह से विकास नहीं हो जाता उसके अंदर डालता, तो मार्सोपियम की जो थैली होती है उसमें क्या होता है, वो मार्सोपियम नाम की थैली में वो अपने बच्चों को रखता है और कुछ टाइम मतलब जो उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो जाता है मार्सोपियम, ठीक है। अब
अब बात आती है आज के क्वेश्चन की कि आज का क्वेश्चन क्या होगा। देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए ना दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं खुद बनाते हैं। तो जैसे जैसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है आपको, मतलब ऐसा पौधा टाइप है तो जो क्या करता है, जो दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, जो आप देखते भी हो डेली लाइफ में अपने में। तो क्योंकि आप देखना कोई भी पेड़ वगैरह, कोई भारी पेड़ वगैरह, उसके ऊपर एक पीली पीली सी धागे से पूरे ही पेड़ को घेरे हुए रहते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।